ये तो सभी जानते ही हैं कि हर महिला को सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए ब्रेस्ट साइज का सही होना जरूरी है, लेकिन कुछ नौजवान लड़कियों को शादी से पहले एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनके शारीरिक अंगों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया और इसी वजह से उन्हें हीन भावना सी महसूस होने लगती है, गिल्ट सी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि मेरे शरीर के अंग छोटे हैं और इसी बात को सोच सोच कर हमेशा परेशान रहने लगती हैं। अब बात ये आती है कि क्या इस समस्या का कोई घरेलू इलाज हो सकता है? इस समस्या के इलाज के लिए हमें बाहर भी ना जाना पड़े और ना ही किसी को बताना पड़े और एकदम नेचुरल तरीके से अंगों का विकास भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसका इस्तेमाल करके 35 वर्ष तक की महिलाएं भी अपने शरीर के पर्सनल अंगों का विकास करके सुंदर और आकर्षक दिख सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है और क्या लगाना है। सही और पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल हेल्थ डायरेक्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आगे की आने वाली नई वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। आइए जानते हैं नुस्खे के बारे में। आपको हर रोज रात में सोने से पहले आधी छोटी चम्मच विक्स वेपोरब के साथ एक चम्मच एलोवेरा जेल की मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है और फिर इस पेस्ट को अपने शारीरिक अंगों पर लगाकर लगभग 2 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद इसे रात भर लगा रहने दें। एक बात का ख्याल रखें कि थोड़े लूज कपड़े पहनकर सोएं। सोने से पहले एक गिलास हल्के गर्म दूध में एक चम्मच शतावरी चूर्ण की डाल लें और इसको हल्का मीठा बनाने के लिए धागे वाली मिश्री डालकर अच्छे से मिक्स करके पी जाएं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये दोनों नुस्खे एकदम घरेलू और आयुर्वेदिक हैं। इनके इस्तेमाल से आपके शरीर के अंगों का विकास तेजी से होने लगेगा। हमारे इन नुस्खों के कुछ ही दिनों के लगातार इस्तेमाल से ब्रेस्ट साइज 30 से 36 हो जाएगा, रातों रात साइज बढ़ेगा और आप भी अपने शरीर के अंगों का विकास करके सुंदर और आकर्षक बन पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको कोई परेशानी हो या आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।